हेलो गाइस, तो स्वागत है और एक कमाल की फ्रेश वीडियो पर, जो ए पार्ट थ्री नहीं है, ठीक है। ए पार्ट थ्री के पहले एक छोटा सा वीडियो है, जो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लोग बोल रहे थे कि एक जीप 390 है, जिसमें कि 390 में ही मैंने 390 का मीटर लगाया है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि आप लोग जस्ट ग्राफिक्स देख के बोल रहे हो ये 390 है, तो पीछे भी तो ग्राफिक्स है 250 का, तो ये देख के बोलो ये 250 है। नहीं, आप लोग बोलोगे कि ये 390 है। जो जिसको पता नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने जो मेरा बाइक का ग्राफिक्स था उसको चेंज किया, ठीक है। तो चेंज किया मैंने ग्राफिक्स को, तो उसका वीडियो भी ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो लोग बोल रहे थे कि इसका जो क्या बोलते हैं थ्रॉटल है वो भी राइड बाय वायर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो यहाँ पे राइड बाय वायर नहीं है, ठीक है। इसका थ्रॉटल बॉडी भी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इसका थ्रॉटल बॉडी देखो, देख सकते हो ड्यूक 390 में क्या ऐसा थ्रॉटल बॉडी होता है, ठीक है ना। तो चलो इसका जो पूरा वायरिंग का सिस्टम है, कैसे क्या प्लग एंड प्ले होता है, तो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को देखो। 2000 years later. तो यहाँ पे हमने अपनी बाइक को घर में लेके आ गया, तो अभी आपको पूरा प्रोसेस में यहाँ पे दिखाऊंगा। देख सकते हैं वो मेरा ही बाइक है, फिर से मत बोलना कि वो बाइक नहीं है, देख सकते हो मेरा ही बाइक है, ठीक है, जो उस दिन आपको दिखाया था। तो चलो इसमें आपका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, जो प्लग एंड प्ले जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका मीटर, ये एक्चुअली ब्रांड न्यू मीटर है, कोई भी स्क्रैच कुछ भी नहीं मिलेगा, ये पूरा ब्रांड न्यू मीटर है। जितना भी मीटर हमारे पास है पूरा ब्रांड न्यू रहता है। और ये इसका कनेक्शन, इसमें देख सकते हैं टोटल 4 कनेक्शन है। ये जो मेनली ये आपका बाइक में कनेक्ट होगा, और ये जो है छोटा सा 2-पिन वाला ये आपका हेडलाइट में कनेक्ट होगा, और ये दोनों कनेक्ट होगा आपका कंट्रोल स्विच में। और कंट्रोल स्विच भी आपका नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्शन है। जैसे कि आपका ये जो दो है, ये दो आपका बाइक में कनेक्ट होगा, और ये दो आपका मीटर में कनेक्ट होगा, इन दोनों में कनेक्ट होगा ऐसे। तो ये जो कपलर है एक्चुअली ड्यूक 390 बेस 3 का है, इसलिए ऐसा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा आता है, तो इसको मिलाने के लिए हमने काट दिया है। यहाँ पे कट करके अभी प्लग इन प्ले होगा। तो एक्चुअली ये जो मीटर है वो कल शिपिंग हो जाएगा पोलर्स भाई के पास, आसाम जाएगा ये। तो भाई आप देख लो कैसे इसको कनेक्ट करना है, और आप इन फ्यूचर ज़रूर आपका हेडलाइट जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर लेना, क्योंकि वरना आपको ABS फेलर दिखाएगा और HLU फेलर दिखाएगा। तो चलो इसको दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हमने हेडलाइट को रिमूव कर दिया, और देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कनेक्शन है। तो जो लोग भी आप कमेंट कर रहे थे कि ये ड्यूक 390 है, तो आप ही बताओ ड्यूक 390 में के इतना सारा कनेक्शन रहता है यहाँ पे। और देखो ये कपलर कभी भी ड्यूक 390 पे रहता है नहीं ना, तो कैसे बोल सकते हो। और मेरा हेडलाइट देखो यहाँ पे मैंने अपग्रेड किया हुआ है इसके, जैसे कि ये वाला जो कपलर है वो आपका मीटर के साथ कनेक्ट होगा, और ये आपका डायरेक्ट बाइक के साथ कनेक्ट होगा। तो चलो यहाँ पे कनेक्शन आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जितना भी कनेक्शन दिखाऊंगा सब कुछ आपका प्लग एंड प्ले सिस्टम रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कैसे यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है वो तो आप पहले वाले वीडियो में देख लो। और यहाँ पे ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो कैसे इंस्टॉल करना है वो चीज़ें देखो। पहले आपका जो क्या बोलते हैं कंट्रोल स्विच है उसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रेड वाला और ब्लू वाला जो ये मेल वाला और ये फीमेल वाला कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका यहाँ पे रहता है। जो आपका स्टॉक जो रहेगा कंट्रोल स्विच उसके जगह पे ये दोनों लगाना है, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं रेड वाला में लगा रहा हूँ, और ये जो ब्लू वाला यहाँ पे एक ब्लू वाला है इसमें लगा रहा हूँ। और अभी देखो अभी यहाँ पे दो बाकी है, और ये जो दो है वो आपका मीटर में कनेक्ट होगा। अभी अभी क्या अभी मेन चीज़ है,
जो यहाँ पे देखो आपका बाइक का जो ये वाला कपलर रहता है, ये आपका मेन कपलर है जो डायरेक्ट मीटर पे लगता है, तो यहाँ पे आपको ये वाला कपलर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक साइड में देखो कुछ भी नहीं है और एक साइड में थोड़ा सा हल्का उठा हुआ है, तो सेम इसमें भी रहेगा, एक साइड पूरा एकदम क्लीन रहता है और एक साइड में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। तो ये दो साइड आपको देख के यहाँ से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बस खत्म। और यहाँ पे आपको ब्लैक ट्यूब यूज़ करना है। या अभी अभी क्या है ना, अब जस्ट लाइन सब अटैच हो गया, अभी जस्ट हम बाइक को ऑन करेंगे। रुको मैं चाबी लेके आता हूँ। तो यहाँ पे रेडी टू रेस आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कैमरा को हाथ पे ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं मोबाइल को हाथ में लेने के टाइम में मोबाइल कैमरा ऑफ हो गया था, तो यहाँ पे मैं क्लोज में दिखा दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ओडो आ रहा है और 3 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है 3 किलोमीटर से ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पे फ्यूल रेंज परफेक्ट दिखा रहा है, और ये सब जितना भी सेटिंग्स है सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, जो ये जो हैंडल बार का स्विच है, कंट्रोल स्विच, इसके मदद से। जैसे कि यहाँ पे मैं सेट दबाता हूँ, देखो यहाँ पे सेट आ गया, और यहाँ पे आप डाउन आप इन्फो में जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप वन ट्रिप टू वार्निंग, वार्निंग में आपको किल स्विच का मिल रहा है, किल स्विच जब भी दूंगा उसके बाद आएगा। तो यहाँ पे आपका इंडिकेटर रहता है, इंडिकेटर देखो इंडिकेटर काम कर रहा है देखो। तो अभी एक किल स्विच मांग रहा है, तो अभी चलो किल स्विच देते हैं। तो यहाँ पे देखो दो फिलर आ रहा है, एक है एबीएस फिलर, और एबीएस फिलर को हटाता हूँ, और एक एचएलई फिलर। ये जो आ रहा है ये आपका हेडलाइट का है, तो ये जो कपलर है ना इसको कनेक्ट करने से ये वाला चला जाएगा। तो अभी साइड स्टैंड का है, जो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपने देख लिया ये कैसे परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कनेक्शंस, तो आप देख लो एक बार। तो ये वही बाइक है जो पहले मैंने दिखाया था, देख लो यहाँ पे स्टिकर अभी भी लगा हुआ है। ओके तो और भी वीडियोस आएगा इस बाइक के ऊपर, तो इतना ही नहीं ख़त्म होगा, और भी बहुत सारा वीडियोस आएगा। और ये जो पूरा सिस्टम प्लग इन प्ले है, और इसके तरह मैं BS6 में भी लाऊंगा, 250 और 200 के लिए भी मैं ज़रूर लाऊंगा। और ये इसका जो Part 3 है वो भी आएगा, वहाँ पे आपका और भी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, X3 किट जो ऑलरेडी मैंने पेंट के लिए मंगवाया है वो पेंट हो रहा है, तो पेंट होने के बाद आएगा तो उसको लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर नीचे कमेंट पे भर भर के प्यार दिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।